गाइस, वेलकम बैक टू दी मोटर टॉर्शन। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है मोहित जी, सेल्टोस के ओनर, और हमें सिरसा हरियाणा में। तो आज हम ओनर रिव्यू करने वाले हैं इस गाड़ी का, सेल्टोस का, और आपको बताएंगे क्या है इस गाड़ी में पॉजिटिव नेगेटिव, इस गाड़ी की असलियत आप सबको बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 3 काम आपको करने हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मोहित, हेलो कह दीजिए हमारे चैनल। ओके, तो ये कौन सा वेरिएंट है सेल्टोस का? जी, HTK+ है। HTK+। ओके, और क्या आपने मतलब इस गाड़ी को खरीदने से पहले किस किस गाड़ी के साथ कंपैरिजन किया था? मतलब सेल्टोस को ही क्यों खरीदा, प्रेफर किया सेल्टोस? एक्चुअली जो इस वेरिएंट के अंदर हमें, जो मेरे को पर्सनली अगर मैं कहूँ तो सबसे अच्छी गाड़ी लगी। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि हमने करेटा भी यूज़ करके देखी है। करेटा की लुक एंड फील और उसके अंदर जो फीचर थे बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड हो चुके थे। तो इस अच्छे प्राइस के अंदर फुली लोडेड कार थी, तो हमने सेल्टोस को प्रेफर किया। और दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात थी कि BS6 इंजन टेक्नोलॉजी के साथ आई थी, तो हमारी प्रेफरेंस सेल्टोस के साथ ज़्यादा गई। ओके, तो रिसेंटली जैसे क्रेटा का नया फेसलिफ्ट भी आया, क्रेटा बिल्कुल नई उसका डिज़ाइन आया, तो आपने रिसेंटली गाड़ी खरीदी, तो आप अगर प्रेफर करना हो क्रेटा में से, क्रेटा का और सेल्टोस का, तो आपको किस गाड़ी का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा? नहीं, अभी भी मैं सेल्टोस के साथ ही जाऊँगा। सेल्टोस के साथ, क्योंकि जो उसका डिज़ाइन आया है वो अकॉर्डिंग टू मी उतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं है जो सेल्टोस का है। ओके, थैंक यू। तो और इस गाड़ी में आपको मतलब माइलेज क्या मिल रहा है अभी? अभी अगर हम हाईवे की बात करें तो 21-22 के अराउंड मिल रही है, और अगर लोकल की बात करें तो 16 अराउंड मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि ये डीजल वेरिएंट है 1.5 लीटर, और इसमें इनको हाईवे पे 20+ की माइलेज जो है अभी मिल रही है, और लोकल की बात करें तो 15-16 की ये माइलेज बता रहे हैं। ओके, तो सर आपको सबसे मतलब अच्छा और एक नेगेटिव कुछ ऐसा लगा गाड़ी में, सबसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या लगा आपको? हाल फिलहाल कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो गाड़ी का कुछ आया नहीं है। अब अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं कि जैसे जनरली क्या होता है, डीजल इंजन की कहीं ना कहीं साउंड आती है अंदर, हालांकि क्रेटा के अंदर नहीं आती ये प्रॉब्लम। अगर जनरली इस वेरियंट की अगर हम हैरियर देख लें, हैरियर भी मिलती जुलता वेरियंट इसी सेगमेंट के अंदर आता है, उसके अंदर बहुत नॉइस आती है। क्योंकि जब मैं गाड़ी देखने गया था, मैंने हैरियर, क्रेटा और इसके अंदर पूरा कंपैरिजन किया था, तो मैं सेल्टोस के साथ गया था इस इंजन नॉइस करके। अच्छा, आपका कोई हिल ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, अभी तक मेरा कोई हिल ड्राइव एक्सपीरियंस नहीं रहा है। ओके, और ओवरऑल आपको कंफर्टेबल और स्पेस कैसा लगा गाड़ी में? स्पेस बहुत अच्छा है, डिक्की में भी स्पेस बहुत अच्छा है। इजीली जितना भी सामान हमें चाहिए होता है, एक फैमिली, 5 मेंबर की फैमिली का पूरा सामान डिक्की के अंदर हम लोग कैरी करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। और पीछे रियर सीट्स की बात करें तो रियर सीट्स भी बहुत अच्छी हैं। तो अगर मैं इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वो भी बहुत अच्छा है। इनके अंदर फीचर भी बहुत अच्छे दे रखे हैं इन लोगों ने, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह भी इसी, अभी ये टॉप मॉडल नहीं है, जनरली क्रूज़ कंट्रोल वगैरह टॉप मॉडल के अंदर आता है गाड़ियों के अंदर, मगर इसके अंदर इन्होंने, ये टॉप मॉडल नहीं है, इसके अंदर भी क्रूज़ कंट्रोल दे रखा है, तो बहुत ही अच्छा है। मतलब एक कम पैसों में कंप्लीट फीचर्स के साथ गाड़ी है। तो आपको, और इसके अलावा अगर हम बात करें, जब आपने गाड़ी लोकल चलाई होगी या हाईवे पे चलाई होगी, तो आपको ऐसा लगा कि सस्पेंशन जो है वो उतना बढ़िया नहीं है जितना कि? नहीं, सस्पेंशन मेरे को ऐसे सस्पेंशन में अगर मैं बात करूं, ना क्रेटा के सस्पेंशन में मेरे को कभी कोई दिक्कत लगी है, ना मेरे को इसके सस्पेंशन में कभी कोई दिक्कत लगी है। हाँ, क्रेटा की जो लास्ट हमारे पास लेटेस्ट जो मॉडल था उसके अंदर एक प्रॉब्लम आती थी, जब हम गाड़ी को मोड़ते हैं स्लो स्पीड पे और ब्रेक लगाते हैं, कई बार उसकी ब्रेक अड़ जाती है। मतलब उसका ABS प्रोग्रामिंग इस तरह थी कि वो कई बार हमें लगता है कि टायर जाम हो जाते हैं। तो इस गाड़ी के साथ वो इशू भी नहीं है, इसकी ब्रेकिंग भी एकदम परफेक्ट है। और ओवरऑल अगर आप ड्राइविंग की बात करें, तो आपको स्टेयरिंग और गियर लैग, मतलब स्टेयरिंग हैवी लाइट ऐसा कुछ लगा, या फिर नहीं? एकदम परफेक्ट है, और गियर लैग नहीं है एकदम भी? ओके, और म्यूजिक सिस्टम की बात करें, तो कभी ऐसा फील हुआ कि टच सही नहीं है, लैग्स है? नहीं, एकदम परफेक्ट चलता है म्यूजिक सिस्टम, बल्कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, वो प्रीमियम लुक दे रहा है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके, ये अगर हम लगाएं तो इस वेरिएंट के अंदर हैरियर के अंदर ये म्यूजिक सिस्टम आ रहा था, तो मतलब इस स्टाइल का।
क्रेटा के अंदर अभी तक शायद अब वाले वेरिएंट में है वो, और वो भी टॉप मॉडल के अंदर है, भी मतलब टॉप से नीचे वाले वेरिएंट में। तो दोस्तों ये था सेल्टोस HT के प्लस का ओनर रिव्यू। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलेगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।